हे गाइस, ये वीडियो मैं जागरूकता के लिए बना रहा हूँ एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर। आजकल एक फ्रॉड ओलेक्स फ्रॉड बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, इतनी तेज़ी से कि रोज़ाना कई लोग इसकी चपेट में आते हैं और ओलेक्स के चक्कर में पड़कर वो लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं। तो मैंने पहले भी जागरूकता के लिए इस पर एक वीडियो बनाया था कि ओलेक्स पर लोग कैसे फ्रॉड करते हैं और कैसे आपको उससे बचना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जितने लोगों तक वो वीडियो पहुंचा, जितने लोगों ने उस वीडियो को देखा, वो तो जागरूक हो गए, उनके साथ तो कोई इस तरीके का फ्रॉड नहीं कर सकता। लेकिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, उन लोगों को पता भी नहीं है कि इस तरीके का भी कोई फ्रॉड होता है। मैंने जो पहले ओलेक्स फ्रॉड पर एक वीडियो बनाया था, उसके बाद से मुझे रोज़ाना एक दो ईमेल या कॉल ज़रूर मिल रहा है कि हमारे साथ 10,000 का फ्रॉड हो गया, हमारे साथ 20,000 का फ्रॉड हो गया। अभी कल ही एक लड़की ने मुंबई से कॉल किया था कि मैंने एक ओलेक्स पर कैमरा देखा, मैंने उसको उससे चैट की और उससे कहा कि कैमरा चाहिए, तो उसने कहा कि मैं आर्मी में हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकता और ना ही आप मेरे पास आ सकती हैं, तो मैं आपको बाई पोस्ट ये कैमरा सेंड कर दूंगा और अभी आप मुझे हाफ पेमेंट कर दीजिए। उस फ्रॉड बंदे ने उस लड़की के व्हाट्सएप पर उसको कैमरे के फ़ोटोज़ और आर्मी की सारी आईडी भेजी। उस लड़की को यकीन हो गया कि ये कोई आर्मी वाला है, तो उस लड़की ने उसको 8,000 रुपये पेटीएम कर दिए। और कल शाम उसने मुझे कॉल किया कि मैंने 8,000 रुपये उसको पेटीएम कर दिए हैं, और पेटीएम करने के बाद से ही उसका नंबर भी स्विच ऑफ है और पेटीएम वाला नंबर भी बंद है। और आज ही एक बंदे का कॉल आया, उसने मुझसे कहा कि मेरे 25,000 रुपये का फ्रॉड हो गया। उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, उसने ओलेक्स पर एक कैमरा देखा और फिर उसने उसको कॉल किया, तो उसने कहा मैं आर्मी से बोल रहा हूँ और आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। तो उसने पूरे 25,000 रुपये का फुल पेमेंट कर दिया। अभी मेरे पास कॉल आई और बंदा रो रहा था। बेचारा कोई गरीब था और उसने सोचा कि 50,000 रुपये वाला कैमरा 25,000 में सस्ता ही मिल रहा है, तो पता नहीं कहाँ से पैसे जोड़ जोड़ के उसने रखे होंगे और उसने उस फ्रॉड बंदे को 25,000 रुपये सेंड कर दिए। अब मुझसे पूछ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई पुलिस में कंप्लेन कर दे, इससे ज़्यादा तो कुछ और किया नहीं जा सकता। ऑलरेडी मैं इन लोगों की कंप्लेन 5-6 बार कर चुका हूँ, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं दिया है। इनफैक्ट पुलिस कोई रिज़ल्ट दे भी नहीं सकती। क्यों? इसीलिए कि इनके पास जो मोबाइल नंबर होता है वो फेक होता है, जो आईडी होती है वो फेक होती है, प्रोडक्ट होता है वो फेक होता है, जो लोकेशन बताते हैं वो फेक होती है, तो पुलिस इनको ट्रेस भी कैसे कर सकती है। जब मैंने पुलिस वाले से बात की थी तो वो मुझसे ये कह रहा था कि हमारे पास ऐसी काफ़ी सारी कंप्लेन आ रही है ओलेक्स से रिलेटेड, लेकिन हम लोग करें भी तो करें क्या, ट्रेस कर नहीं सकते, कोई नाम एड्रेस कुछ भी नहीं है। अगर कोई नंबर चलता हुआ मिले तो उसे हम ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब वो नंबर ही तोड़ के फेंक देते हैं तो फिर हम उसे ट्रेस कैसे करें। तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और बहुत ही बड़ा फ्रॉड है जो आजकल लोगों के साथ किया जा रहा है। तो इसका बस एक ही उपाय है, एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने अंदर जागरूकता पैदा करें, आप इस फ्रॉड को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए कि भाई ओलेक्स पर ऐसा फ्रॉड चल रहा है। अगर आपको कोई आर्मी वाला बन करके आपसे कहे कि पैसे दो, या कोई भी पर्सन जो आपको प्रोडक्ट देने से पहले ही पैसों की डिमांड करे, तो आप समझ जाओ कि ये एक फ्रॉड है। जो बड़े बड़े मैटर्स होते हैं, पुलिस तो उसमें भी काफ़ी लंबे टाइम तक कुछ नहीं कर पाती, तो फिर ये तो छोटे छोटे मैटर्स हैं, इनमें तो पुलिस ध्यान भी नहीं देती। तो इसलिए आप किसी दूसरे पर डिपेंड होने के बजाय अपने अंदर जागरूकता पैदा कीजिए। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने जो पहले ओलेक्स फ्रॉड पर एक वीडियो बनाया था, उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पर्सन पहले ही पैसे दे दे। तो देखो भाई, जिन लोगों को ये लगता है ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो लोग कमेंट्स पढ़ो उस वीडियो के नीचे जाकर, और वहाँ पर देखो किसी के साथ 90,000 का, किसी के साथ 1,00,000 रुपये का, किसी के साथ 50,000 का, काफ़ी सारे फ्रॉड्स ऐसे हुए हैं। क्योंकि सभी लोग जागरूक नहीं है, सभी को नहीं पता इसके बारे में कि ऐसा भी कोई फ्रॉड होता है, और वो लोग बातों में आ जाते हैं, आर्मी का नाम सुनते हैं, आर्मी की आईडीज़ देखते हैं, तो वो बेवकूफ़ बन जाते हैं और पैसे पे कर देते हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स और ईमेल्स इस महीने में आए हैं, इसलिए मुझे ये कन्फर्म है कि ऐसा होता है। तो बस गाइस, जितना आपसे हो सके, जिस तरीके से भी हो सके, आप दूसरे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए कि इस तरीके का फ्रॉड होता है। प्रोडक्ट लेने से पहले कभी भी पैसे ना दे, कोई भी आर्मी वाला बन करके कॉल करे तो सीधे उसकी कंप्लेन करे पुलिस में, ताकि अगर उसका नंबर चलता हुआ मिले तो पुलिस उसको ट्रेस कर सके।